हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 12th का लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पार्ट ए का सेक्शन ए डिस्कस करूंगा। आप जानते होंगे हमारे सैंपल पेपर में टोटल 5 सेक्शन दिए गए हैं और उन 5 सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज मैं आपके साथ पार्ट ए में सेक्शन 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर ऑल, फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दो। सेक्शन 1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगर कोई एक फंक्शन आर से आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो तो बताओ क्या वो 1 1 है या नहीं है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं यहाँ पे इसका ए पार्ट लिख रहा हूँ। ए पार्ट का मतलब इसके ऊपर वाला हम सोल्व करने जा रहे हैं। 1 1 फंक्शन के लिए हमें इसके अंदर ए और बी वैल्यू पुट करनी होती है फंक्शन के अंदर, तो वो हम अपने आप से एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 3 है तो यहाँ पे बन जाएगा ये ए की पावर 3 और ये बन जाएगा हमारे पास बी की पावर 3। फिर आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ये बन जाएगा ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपके पास वैल्यू बन जाएगी ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे डाउट मत रखना कि सर हम पावर 3 से पावर 3 काट देते हैं, गलत होता है। पावर 3 से पावर 3 नहीं कट सकती, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 0, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो हमारा जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, तो जब आप इस वाली वैल्यू को सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल कर आते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स में आते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है या फिर इमेजिनरी नंबर में इसका आंसर निकल के आता है। तो हम यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करते, जस्ट इसको कंसीडर करेंगे ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। अब आपको चेक करना है क्या ए इज इक्वल टू बी हर एक रियल वैल्यू के लिए ट्रू रहेगा। अगर रहेगा तो हमारा ये 1 1 है, अगर नहीं रहेगा तो 1 1 नहीं है। और आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि a इक्वल टू बी हमेशा ट्रू रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स इज 1 1। एक नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, एफ एक्स जो है वो 1 1 है। उसके बाद हमें इसके सेकंड वाले पार्ट में बताने हैं हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 की पावर n² - n। एकदम सीधा इस वाली वैल्यू के अंदर n है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। तो गेस गिवन सेट के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे पुट करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। एन ऑफ ए के अंदर अपने पास 3 एलिमेंट हैं, सो 2 की पावर 3 की पावर 2 - में, यानी कि 2 की पावर 9 - में 3 आपका आंसर आ गया 2 की पावर 6। बताओ आपको कोई डाउट है। अगर आपको फॉर्मूला याद रह गया एग्जाम टाइम में तो इसके बी वाला पार्ट कर लेना, ए वाला पार्ट गलत करने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि ए इक्वल टू बी हमेशा ट्रू है, हमेशा फॉल्स है, क्या है क्या नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो बी वाला पार्ट है ये इजी पार्ट है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है तो इस वाले फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में बेहतरीन तरीके से लिख लेना। एक और डाउट, 2 की पावर 6 को ओपन करना है नहीं करना, तो भाई सैंपल पेपर में 2 की पावर 6 ही लिखा हुआ है, इसको सॉल्व नहीं किया हुआ, तो आप भी इसको सॉल्व मत करो। एक नंबर का क्वेश्चन है, बिंदास तरीके से आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भैया अगर एक रिलेशन आर 1 1 1 2 2 2 और 3 3 है तो हमें अगर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो किस एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। भैया सीधी बात है, ये 1, 2 को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि 1, 2 की वजह से ये वाला सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन पा रहा, क्योंकि अगर इसको सिमेट्रिक रिलेशन बनना है तो 1, 2 का उल्टा 2, 1 वहां पर होना चाहिए था। तो अगर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनना है तो 1, 2 को हटाना पड़ेगा। सिंपल से आप यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द आर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भैया आप ये बताइए कि जो रिलेशन दे रखा है रूट ए इज इक्वल टू बी, क्या ये फंक्शन है। देखो यार, फंक्शन का मतलब होता है एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना बन पाए। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैं ए की वैल्यू को -1 पुट कर दूं, तो अगर हम ए की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो बनेगा √-1। आप और मैं दोनों जानते हैं √-1 आयोटा होता है और आयोटा एक तरह का इमेजिनरी नंबर होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, भैया रिलेशन तो रियल नंबर में है। तो अगर रिलेशन रियल नंबर में है और अगर मैंने ए इक्वल टू -1 पुट करा है तो -1 रियल नंबर है, रियल नंबर का आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होता नहीं है।
तो जो हमारे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो फंक्शन नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे रूट ए इज इक्वल टू बी इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज देयर इज नो इमेज फॉर ए इज इक्वल टू -1। अगर हम ए की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो इसकी इमेज वहां पर नहीं है, तो हमारा जो फंक्शन है, तो हमारा रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। वेरी सिंपल। अगला इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है, अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर जिसमें ए सेट है, हमने ए सेट को टोटल 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, A1, A2, A3। जरा आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से फटाफट से समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं अपने पास एक सेट है 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2, 3 को मैंने देखो ये पूरा A था, मैंने इस A को A1, A2 और A3 में इस तरह से स्प्लिट करा, देखो A1 पे 1 आ गया, A2 पे 2 आ गया और A3 पे 3 आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है इनका यूनियन बताओ, फटाफट बताओ इन तीनों का यूनियन क्या होगा, 1, 2 और 3 होगा। 1, 2, 3 का मतलब ए होगा, तो इनके यूनियन का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, ए बन जाएगा। A1, A2, A3 का इंटरसेक्शन बताओ, इस 1, 2, 3 में से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वो कैसे सेट्स हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए, कॉमन वैल्यू नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे 5 लिख दोगे। सिंपल सी बात है। देखो फिर क्वेश्चन कह रहा है, अगर 5a माइनस में 3b डिफाइन करता है, माइनस डिफाइन करता है, तो बताइए 5a माइनस 3b का ऑर्डर क्या है। ऑलवेज रिमेम्बर भाई, चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, ऑर्डर शुड बी द सेम। सर ऑर्डर शुड बी द सेम का मतलब क्या है, आप यहाँ पे लिखो 3 क्रॉस n, आप यहाँ पे लिखो m क्रॉस 5, भैया ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। सिंपल सिंपल आप देख पा रहे हैं, m की वैल्यू है यहाँ पर 3 और n की वैल्यू है आपके पास 5, तो आपका जो ऑर्डर बनेगा वो 3 क्रॉस 5 बनेगा। एक नंबर का क्वेश्चन है, लड्डू लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म हो गया, 3 क्रॉस 5 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन बहुत मजे ले रहा है हमसे, ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, मैट्रिक्स दे नहीं रखा, तो पहले मैट्रिक्स बनाओ। यहाँ पे ए इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो ना, यहाँ पे A11 आता है, यहाँ पे A12 आता है, यहाँ पे A21 आता है, यहाँ पे A22 आता है। तो अगर आप ये सब बातें जानते हैं तो इनकी वैल्यू पुट कर लो भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप 1i और j को इक्वल नहीं रखोगे, अगर इक्वल नहीं रखोगे, इक्वल कहाँ पर नहीं है, 1 2 पे इक्वल नहीं है, 2 1 पे इक्वल नहीं है, तो इनकी वैल्यू 1 रहेगी, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अगर आप i और j को इक्वल रखोगे, 1 और 1 इक्वल है, 2 और 2 इक्वल है, तो यहाँ पे 0 और 0 आएगा। इतनी छोटी सी समस्या है ये, a की वैल्यू आ गई है, हमें ए स्क्वायर बताना है। सो ए स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए, डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखो यहाँ पर, 0 1 1 0 का मल्टीप्लीकेशन करना है 0 1 1 0 से। एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन, फटाफट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को 0 से करेंगे 0 रहेगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 0 प्लस 1 1 बन जाएगा, 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0 0 आ जाएगा, 1 को 0 से करेंगे 0 0 को 1 से करेंगे 0 0 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 0 से करेंगे 0 1 प्लस 0 करेंगे 1। अरे सर ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो लिखना इतना ही लिख के छोड़ देना। का सेकंड वाला पार्ट कहता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n होता है यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ऑर्डर हमें दे रखा है 3, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2, डिटरमिनेंट दे रखा है यहाँ पे -4, यानी कि -4 की पावर 2 आंसर आ गया 16। बताओ आपको कोई डाउट है, इतने छोटे क्वेश्चन है, इसका सेकंड वाला पार्ट ज्यादा आसान है, इसको अपने पेपर में अटेम्प्ट कर लेना आप लोग। सिक्स्थ कहता है, देखो सिक्स्थ क्या कहता है भैया, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू -7 है, बहुत बढ़िया, तो ये इसकी वैल्यू बताओ क्या बनेगी। इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, मेरी बातों को अब आप ध्यान से सुनना, चाहे छोटे एलिमेंट हो चाहे उनके कोफैक्टर हो, अगर वो कंटिन्यूटी नंबर में होते हैं तो उनका आंसर 0 हो जाता है। जैसे देखो कंटिन्यूटी का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, ये 1 1 है, 1 1 से अगला 1 2 आएगा, 1 2 से अगला 1 3 आएगा, ये कंटिन्यूटी में है। कैपिटल ए को देखो यहाँ पे, ये 2 1 है, 2 1 से कंटिन्यूटी का अगला नंबर 2 2 बनेगा, 2 2 से अगला कंटिन्यूटी नंबर 2 3 बनेगा, तो छोटे वाले एलिमेंट भी और कोफैक्टर दोनों कंटिन्यूटी में है, आंसर क्या बनेगा दोस्त, 0 बन जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, ऑलवेज रिमेम्बर छोटे एलिमेंट और कोफैक्टर कंटिन्यूटी में होंगे तो आंसर 0 बन जाएगा। छठे नंबर का आंसर आ गया 0 0, बस इस बात को ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है। अच्छा देखो सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई, देखो सेवेंथ क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, ये ज्यादा इजी है, क्योंकि तो हम इसके अंदर ex वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सर कौन से ex वाला फॉर्मूला, ये वाला भाई, ex मल्टीप्लाई बाय fx
और अगर इसमें प्लस होता है इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो इसके इंटीग्रेशन का आंसर आता है ई एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू को 1 माइनस में कोट एक्स ले लूँ, तो इसका डेरिवेटिव चेक करो कितना आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, कोट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? माइनस माइनस कैंसिल होगा तो वैल्यू बन जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। देखो मैंने इसको एफ एक्स माना, एफ एक्स के साथ में इसका डेरिवेटिव है, तो आंसर बनेगा ई एक्स इंटू एफ एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके ए पार्ट का आंसर आ जाएगा ई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 माइनस कोट एक्स, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आता ही है प्लस में सी। सर पेपर में ऐसे ही लिख के आएंगे? बिल्कुल भाई, एक नंबर का क्वेश्चन है पेपर में, बस आपको ये लास्ट वाली लाइन लिख कर आनी है, समझे बात को? अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस है। प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन क्या कहता है, माइनस ए से ए होता है, तो पहले चेक करो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो देखो एक्स स्क्वायर तो इवन फंक्शन है, साइन एक्स हमारा ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब होता है इसकी वैल्यू प्लस रहने वाली है, ऑड फंक्शन का मतलब होता है इसकी वैल्यू माइनस रहने वाली है। तो प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो मेरे भाई आंसर तो माइनस में आएगा, यानी कि इन टोटेलिटी ये पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन है। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज कहती है इनका आंसर 0 हो जाएगा। सर पेपर में कैसे लिखेंगे? पेपर में आपको लिखना है गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है यार, टेंशन लेनी नहीं आपको यार, ज्यादा आसान है सैंपल पेपर। 8 क्वेश्चन कह रहा है, अगर वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, बेसिकली दिस इज द पैराबोला, तो आपको एरिया बताना है एक्स इक्वल टू -1 से लेकर 1 के बीच का। वेरी वेरी सिंपल यार, इंटीग्रेशन फाइंड कर दो, वैल्यू लगा दो -1 से +1, वैल्यू नहीं लिमिट कहते हैं इसको, -1 से +1 लिमिट लगाओ। यहाँ पे फंक्शन लिखो एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करो। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, -1 को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे 0 से 1 ले लो और यहाँ पे इसका 2 टाइम्स कर दो, ये सेम रहेगा एक्स स्क्वायर dx। तो इसको सोल्व करो फटाफट से। अब ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे 0 से 1 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो एक्स की पावर 3/3, यहाँ पे इसको क्लोज करो, 2 अपनी जगह पे सेम रहेगा। 1 की वैल्यू पुट करो तो 1/3, माइनस में 0 पुट करो, 0/3, 1/3, 0/3 सोल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 2 को 1/3 करेंगे तो आंसर 2/3 रहेगा। आंसर कह रहा है कि एरिया बताना है, तो एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, तो 2/3 स्क्वायर यूनिट। अगर सर हम स्क्वायर यूनिट ना लिखें तो हाफ मार्क्स कट जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर वैसे ही कटा लोगे आप। ध्यान रखना 2/3 के साथ में स्क्वायर यूनिट लिखना ही लिखना है, ठीक है? 7th पे नहीं, 9th पे आना है। अब हमें 9th कह रहा है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट बताओ। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जनरल सोल्यूशन में फाइंड होते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन में फाइंड नहीं होते। आप यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो आंसर आ गया 0। पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं होता। सेकेंड पार्ट कह रहा है एन की वैल्यू बताओ। एन की वैल्यू बताने के लिए क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि जो ये इक्वेशन दे रखी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस का मतलब होता है पावर शुड बी द सेम। तो आप यहाँ पे देखो पावर कितनी है, 2+1, टोटल पावर यहाँ पे 3 है। 1+2 एक्स की पावर 1 है ना, तो 1+2 टोटल पावर 3 है, एक्स की पावर 3 टोटल पावर 3 है, यहाँ पर एन है। भाई अगर हर जगह पे पावर 3 है तो एन भी तो 3 होगा। तो यहाँ पे एन का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लो, दोनों ही सिंपल क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कहता है यूनिट वेक्टर बताओ। यूनिट वेक्टर बताओ जो इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया जाए। देखो इस वेक्टर के चाहे अपोजिट में बने चाहे कहीं पे भी बने, यूनिट का मतलब होता है जो इसके अंदर आई जे के का कंपोनेंट है उसको हटा दो वहां से। तो -3/4 को रिमूव कर दो, आपका आंसर आ गया जे कैप। सर अगर अपने पास 5 के कैप होता तो 5 को हटा देते, के कैप आंसर आता। सर अगर अपने पास माइनस में 7 i कैप होता तो -7 को रिमूव कर देते, i कैप आंसर आता। वेरी वेरी सिंपल, इसका आंसर आ गया j कैप, क्योंकि हमने यहाँ पे -3/4 को रिमूव कर दिया। वेरी वेरी सिंपल। 11 क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ। फटाफट से पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो, तो 2i का क्रॉस करना है -3j के साथ। इसका जो भी अपने पास आंसर निकल कर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। अब इसके जब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आई आई के साथ जे का क्रॉस करना है। आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, तो आई जे अगला नंबर के, तो यह आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 को -3 से करेंगे तो माइनस में 6 आएगा। आई का जे के साथ क्रॉस करेंगे तो वो के बन जाएगा।
के यहाँ पर यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये -6 के लिए जो ये दो मैंने ब्रैकेट लगाए हैं, ये -6 को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1/2 × 6, और के का मैग्नीट्यूड फाइंड करके देंगे, तो के का मैग्नीट्यूड बन जाएगा 1। आपके पास आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो ये यूनिट वेक्टर है, ए भी यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है, एंगल बताओ। सबसे पहले एंगल बताने के लिए इसका स्क्वायर कर दो यार, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बनेगा ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, सो 2a·b और इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस करेंगे इसके अंदर 2a·b इज इक्वल टू में 1, 1 से 1 कैंसिल कर दो, तो 2a·b इक्वल टू में प्लस का 1, वहां पे जाके -1 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो a·b इज इक्वल टू -1/2। सर इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट होता है a·b इक्वल टू में a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो उसको यहाँ पे लिखो a मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ a का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर ऑफ b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सो 1 मल्टीप्लाई 1, इसको रहने देते हैं, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, सिंपली लिख देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। को दोबारा मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, -1/2 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लिखा जाता है पाए माइनस में थीटा, थीटा लिया जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, 1/2 कॉस पे कब होता है आप लोग मुझे बताओ फटाफट तेजी में, 0 1/2 साइन पे होता है 30 पे, तो कॉस पे होता है 60 पे, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाए अपॉन 3 करके, तो हमारा आंसर बनेगा पाए माइनस पाए बाय 3, थीटा इज इक्वल टू पाए माइनस पाए बाय 3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 2π/3। वेरी वेरी सिंपल मेरे भाई, आंसर आ गया 2π/3। क्वेश्चन नंबर 13 एकदम लड्डू लेवल का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्शन को साइन बताने हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल एक तरह की परपेंडिकुलर लाइन होती है जो वाई जेड प्लेन पर बनाई जाएगी, तो आप लोग मेरे को इस बात का आंसर दो कि वाई जेड प्लेन पे कौन सा कंपोनेंट गायब है, वाई जेड प्लेन पर एक्स का कंपोनेंट गायब है, तो यहाँ पे डायरेक्शन को साइन बन जाएंगे 1,0,0। सर ऐसे कैसे बेटा, ऐसे कैसे नहीं, पेपर का टाइम है, सैंपल पेपर, आप समझ रहे हो आंसर आएगा 1,0,0। अच्छा चलो सर ये बता दो, अगर एक्स जेड प्लेन होता तो इसके अंदर वाई गायब है, आंसर बनता 0,1,0। अगर सर अपने पास वाई वाई जेड तो दे रखा है, अगर सर अपने पास एक्स वाई प्लेन होता तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जेड का कंपोनेंट गायब है, तो जो कंपोनेंट गायब होता है उसकी जगह पे 1 लिखा जाता है, आंसर बन जाएगा 0,0,1। बताओ आपको कोई डाउट है। अब सीबीएसई ये वाला सैंपल पेपर उठाएगा तो पेपर में देगी नहीं, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, वाई जेड प्लेन में एक्स गायब है तो 1,0,0, एक्स जेड प्लेन में वाई गायब है तो 0,1,0, एक्स वाई प्लेन पे जेड गायब है तो 0,0,1। एकदम सिंपल है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 14 कहता है भैया कोऑर्डिनेट बताओ उस पॉइंट के जहां पर ये वाली लाइन एक्स वाई प्लेन को कट कर रही है, तो पहले आप इस वाली लाइन का यूज करके जनरल फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट फाइंड करो, तो आप यहाँ पे इसको सबसे पहले तो इक्वेट कर दो लैम्डा से, फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखो x+3/3 इज इक्वल टू लैम्डा कोमा लगाकर, y-1/-1 इक्वल टू लैम्डा कोमा लगाकर, z-5/-5 इक्वल टू लैम्डा। एकदम सिंपल, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 3λ-3। यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा y, डायरेक्ट लिख देते हैं y इज इक्वल टू -λ+1, और यहाँ पे आएगा अपने पास z इज इक्वल टू -5λ+5। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन पे पास हो रहा है और एक्स वाई प्लेन पर z का कोई काम नहीं होता, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे z की वैल्यू इसके अंदर 0 है, तो 0 इज इक्वल टू -5λ+5, इसका मतलब ये बन गया कि -5 इज इक्वल टू -5λ का मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी, -1+1 करेंगे वाई का आंसर 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे 3 × 1 − 3, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 3 − 3, टोटल मिला के एक्स का आंसर 0, यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों 0 हैं, तो 14 का आंसर आ गया एक्स इक्वल टू 0।
y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो, आप ऐसे लिख सकते हो, जो कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है वो 0.0.0 यानी कि ओरिजिन है। इसी के साथ आप एक बात का और ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपके पेपर में कभी ये ऊपर वाला डायरेक्शन रेशो नीचे वाला पासिंग पॉइंट एकदम डिट्टो सेम टू सेम है, यहाँ पे देखो -1 और -1, यहाँ पे -5 और -5, तो आंखें बंद करके उसका आंसर लिख देना 0.0.0। 100% नंबर आपको मिलेंगे, कोई नंबर आपके डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पहले 2 नंबर में आता था, अब 1 नंबर में दे दिया, तो 2 नंबर में आएगा तो इस तरह से सॉल्व करके दिखा देना, 1 नंबर में आएगा तो फटाफट से ऐसे 0.0.0 लिख देना, ठीक है। अच्छा चलो इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मुझे इसका आंसर बताना। एक्स प्लस 2/2 इज इक्वल टू वाई -3/-3 इज इक्वल टू जेड प्लस 4/4। ये आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और ये लाइन की इक्वेशन जो है एक्स वाई प्लेन पे पास होती है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। डिटेल मेथड से भी करके देखना, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया उससे भी करके देखना, जो आंसर बनेगा मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। देखो तो फिर 15 क्वेश्चन कहता है, अगर हमने ए और बी भाई को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया और वो इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और 1/4 है, तो हम सबसे पहले नोट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगा 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा अपने पास 1/4। हमें इसके अंदर जरूरत पड़ेगी इनकी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट इज इक्वल टू 1-1/3 यानी कि 2/3, ये बन जाएगा 1-1/4 यानी कि 3/4। क्वेश्चन कह रहा है आंसर बता दो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो सबसे पहले हम इसके अंदर फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आपको ध्यान होना चाहिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर पहले इनका नेगेटिव वैल्यू फाइंड की जाती है, तो प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। और आप मुझे बताओ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम ना ही ए से सॉल्व हुई और ना ही प्रॉब्लम बी से सॉल्व हुई, दोनों ही ढक्कन थे, दोनों ही सॉल्व नहीं कर पाए, तो नेगेटिव आंसर है इनका 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2, 2 2 4, आंसर आएगा 1/2। हमें बताना है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व। देखो यार क्वेश्चन ना बहुत आसान है, पहले इसके अंदर नेगेटिव फाइंड करेंगे, नेगेटिव फाइंड करने के बाद जो नेगेटिव का आंसर आया है उसको 1 में से माइनस कर दें, तो 1-1/2 टोटल मिलाकर 1/2 आंसर आ गया, विद ए 1/2 प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वेरी वेरी सिंपल यार। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अगर किसी भी एक दिन में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, पहले तो आप 50% को 1/2 करके लिख लो। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भैया रेनिंग होगी सिर्फ और सिर्फ पहले 4 दिनों में। 4 दिन कौन से लेने हैं आपको? एक वीक के पहले 4 दिन। आप मुझे बताओ एक वीक में टोटल डेज कितने होते हैं? तो 7 डेज होते हैं, तो अगर 7 डेज में 4 डेज रेन हो रही है तो इसका मतलब है कि 3 दिन में रेन नहीं हो रही। अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर 4 दिन रेन हो रही है और रेन होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो आंसर बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, और 3 दिन प्रोबेबिलिटी नहीं हो, 3 दिन बारिश नहीं हो रही, तो इसका नेगेटिव फाइंड कर लो, 1 में से 1/2 माइनस कर दो, आंसर आएगा 1/2। मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो 3 दिन बारिश नहीं हुई, हम यहाँ पे थर्सडे तक आ गए थे, फ्राइडे को भी नहीं हुई, सैटरडे को भी नहीं हुई और संडे को भी नहीं हुई, तो दोबारा से 1/2, 1/2 और 1/2। वेरी वेरी सिंपल है, आप इसको सॉल्व करके लिख दो, ये बन जाएगा 1/2 की पावर 3 और ये बन जाएगा 1/2 की पावर 4। इनके बीच में लगाएंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, आपका टोटल आंसर आ गया 1/2 की पावर 7। सर क्या हमेशा ही ऐसे करेंगे? बेटा हमेशा ही ऐसे करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखना, यहाँ पर हमें 1/2 दे रखा था, तो इसका फाइनल आंसर 1/2 की पावर 7 हो गया, पावर पावर ऐड हो गया। मान लो अगर अपने पास ये 1/3 होता कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो इसका नेगेटिव का आंसर होता 2/3, तो हमारा जो आंसर होता वो इस तरह से होता 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 की पावर 3। तब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, पावर को ऐड नहीं कर सकते थे, यहाँ पर क्योंकि 1/2 प्रोबेबिलिटी है इसलिए हमने इसको ऐड करके लिख दिया 1/2 की पावर 7। अब एक डाउट और आता है कि सर क्या इसको सॉल्व करना है? आपकी मर्जी है मेरे भाई, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करके लिख दो,
आपके सैंपल पेपर में आंसर इतना ही दे रखा है। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर टू। सेक्शन नंबर टू के अंदर कंप्लीटली केस स्टडी दे रखी है, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैला दो एकदम बढ़िया तरीके से। जो आपको होमवर्क दिया है उस होमवर्क का आंसर कमेंट करके बता देना। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट आया है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, सेक्शन टू डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।